हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज के ऊपर। तो देखोगे नंबर सीरीज का यहाँ पहला जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुआ क्वेश्चन है। तो देखोगे ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम्स में आए तो क्या करोगे आप। यहाँ दिया हुआ 211 है, उसके बाद 46 141, ये क्वेश्चन मार्क आपको ये फाइंड करना है, और यहाँ दिया हुआ 291। तो ध्यान से देखोगे नंबर को, तो ये नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चेक करते हैं 2 को 11 लाना है तो ये कैसे लाओगे। तो कहीं ना कहीं अगर 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके नियरेस्ट आएगा, 2 इंटू 5 करोगे तो 10 आएगा। बट ये तो अभी 11 तो आया नहीं, हमें कितना प्लस करना होगा, तो बोलोगे प्लस 1 कर देंगे तो ये मिल जाएगा 11। तो हमने यहाँ पे कितने से इंटू किया, 5 से, और प्लस क्या किया, 1 किया। तो आगे देखते हैं, अब 11 से हमें 46 लाना है। अब 46 का नियरेस्ट क्या होगा, 11 का मल्टीपल अगर करें तो 11 4 जा हो गया 44, यानी 11 को आप इंटू किए हो 4 से, और 46 लाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 2 करेंगे। तो ये हो गया 44 प्लस 2, यानी हो गया 46, ठीक है। तो ध्यान दोगे यहाँ 5 से आप मल्टीप्लाई किए, यहाँ आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे फिर क्या होगा, अब ये नंबर क्या हो रहा है, 1 1 करके इंक्रीज हो रहा है ना, बढ़ रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये नंबर घट रहा है, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो देखोगे अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई 3 से करो तो 6 3 18 कैरी हो गया 1, 4 3 12 113। और नंबर ऐड कर रहे थे तो पहले में हम लोग 1 ऐड किए, नेक्स्ट में 2 किए, तो नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो ये हो जाएगा 141 जो कि है यहाँ पे। तो नेक्स्ट वाला नंबर कितने मल्टीप्लाई होगा, तो बोलोगे इंटू 2 होगा, ठीक है। तो इसको 2 से अगर इंटू करें तो ये हो गया 214 2 28, यानी 282। अब इसमें फिर प्लस क्या करेंगे, तो फर्स्ट वाले में प्लस 1 2 3, तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, प्लस 4, तो ये प्लस 4 करोगे तो 286, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 286। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बट अभी आप चेक ये भी कर लो कि ये उसके बाद जो प्रोसेस होगा 291 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ तक मल्टीप्लाई 2 हुआ, तो नेक्स्ट वाला कितना होगा, मल्टीप्लाई 1, एंड देन प्लस क्या होगा, यहाँ तक 4 हुआ तो नेक्स्ट इंक्रीज हो रहा है, तो ये फिर क्या होगा, प्लस 5। तो 1 से इंटू करेंगे तो 286 को 286 ही होगा, और प्लस 5 करते हैं तो ये हो गया आपका 291 जो कि है यहाँ पे। यानी आपका जो आंसर था 286, ये क्या है, करेक्ट है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दिया हुआ है 31 है, 17 है, 48 है, 65 है, 113 है, और ये आपको फाइंड करना है। तो ध्यान दोगे इस वाले क्वेश्चंस में हम लोग कैसे करें, यहाँ नंबर डिक्रीज हो गया, उसके बाद फिर से इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको करना क्या है कि अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करें, ऐड करके आप देखोगे तो ये मिल रहा है, देखो 718 314 48, तो इन दोनों नंबर को भी आप ऐड करके देखो तो ये आ रहा है क्या, तो 87 हो गया 15 कैरी 1, ये हो गया 41516, हाँ मिल रहा है। तो इन दोनों को भी अगर ऐड करें तो ये आ रहा है क्या, चेक कर लो 8513 कैरी 1 6 4 10 और 111, यानी पता चला। तो आंसर क्या होगा फिर, इन दोनों का सम, यानी हो गया आपका 65 और 113 को प्लस कर दो और आंसर आ गया, ये हो गया 8, ये हो गया 7, ये हो गया 1, यानी 178 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया हुआ है 111 है, 12 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है 125 141 166। तो ऐसे कंडीशन में अब क्या करोगे, तो यहाँ तो नंबर क्या हो रहा है, आपस इंक्रीज हो रहा है ना, कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, बट गैपिंग ज़्यादा का नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस से आंसर को निकाल लेंगे। तो यहाँ कितना ऐड करेंगे तो 112 होगा, बोलोगे प्लस 1, हमें ये नहीं पता, ये भी नहीं पता क्योंकि यहाँ है नहीं, छोड़ दो इसे, इसे देखते हैं। इस वाले में 125 में क्या प्लस करोगे कि 141 हो जाए, तो यहाँ पे प्लस करने के लिए इससे माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 16, ठीक है।
इसमें क्या प्लस करोगे 141 में कि 166 हो जाए, तो इससे आप माइनस कर दो पता चल जाएगा। तो हम 141 में प्लस करेंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 2, यानी 25। तो अब देखोगे अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका हुआ है, अब ध्यान दोगे 116 और 25 ये प्लस हो रहा है, तो 1 एक कैसा नंबर है, तो बोलोगे 1 का स्क्वायर हम ले सकते हैं, 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, और 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ध्यान दोगे 1 यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता, उसके बाद 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो ये वाला क्या हो सकता है, 2 का स्क्वायर हो सकता है, होगा ही ये, और ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा। क्लियर? तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो भाई 2 स्क्वायर क्या होता है, 2 स्क्वायर हो गया आपका 4, और 3 का स्क्वायर होता है 9। क्लियर? तो ध्यान दोगे अब यहाँ पे 112 अब प्लस 4 कर दे तो ये कितना होगा, 116 होगा, और 116 में 9 को प्लस करोगे तो 125 मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 116। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखोगे 548, 273, 135, 65.5, 30.25। जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए और ये आपको फाइंड करना है, जहाँ पे आपको दिखे कि पॉइंट में है, तब आप समझ जाओगे कि ये क्या है, कि ये यहाँ कहीं ना कहीं ये डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग भी देखते हैं उसी सेंस में, डिवाइड के सेंस में, कि इसे हम लोग कैसे आंसर को ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर है आपके पास 548, लाना कितना है 273 आपको लाना है। ठीक है, तो अगर हम इसका डिवाइड करते हैं, अगर 2 से करें तो इसके नियरेस्ट तो आएगा, इतना तो कन्फर्म है, तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से तो ये कितना होगा, ये आप बोलोगे ये हो गया आपका 2, और ये हो गया 147, और ये हो गया 4, बट चाहिए कितना था आपको 273। तो यहाँ हुआ क्या पहले में कि डिवाइड 2 हुआ और इसको माइनस 1 कर दे तो 273 मिलेगा आपको, तो डिवाइड 2 माइनस 1 आंसर आया आपका पहला कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट हमें 273 से 135 लाना है, तो अगेन हम डिवाइड क्या करते हैं 2, तो ये हो गया 273 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 3, और ये हो गया 6, और ये हो गया 0.5, 136.5, बट हमें चाहिए कितना था 135, तो आपको क्या माइनस करना होगा जो 135 आपको मिले। तो यहाँ देखोगे ये डिवाइड 2 और यहाँ पे अगर हम माइनस कर दें 1.5 कर दें तो देखोगे 135 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखोगे डिवाइड 2 हुआ बट माइनस क्या हुआ 1.5, तो आप इस ध्यान से देखोगे 1 एंड देन 1.5 यानी 0.5 करके क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला भी क्या होगा, डिवाइड 2 होगा और माइनस करना होगा 2, उसके बाद वाला फिर क्या होगा, डिवाइड 2 माइनस 2.5, इस तरह से डिवाइड 2 माइनस 3 कंटिन्यू चलते जाएगा ये प्रोसेस। ठीक है, कंफर्म? तो अब हम लोग आंसर निकालना कहाँ पे, यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब चाहो तो चेक भी कर सकते हो इन दोनों को। क्लियर, तो हमें निकालना क्या है, ये वाला टर्म निकालना है। तो सबसे पहले आप देख लोगे ये हो गया आपका, इससे जो हम लोग किए ये आपका हुआ माइनस 1 एंड देन 1.5 एंड देन ये होगा 2 एंड देन ये होगा 2.5 एंड देन नेक्स्ट वाला जो होगा कितना होगा 3 होगा। क्लियर, आपका आंसर आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करके माइनस 3 कर दो और आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो चलो इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 30.25 है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2 और ये पॉइंट आएगा यानी थर्ड डिजिट, यानी हो गया 15.125। ठीक है, 15.125। तो अब ध्यान दोगे अब हमें क्या माइनस करना है, तो बोलोगे 3 माइनस करना है, तो हम लोग 3 यहाँ पे रख के माइनस करते हैं, तो ये हो गया 125 पॉइंट और ये हो गया 12, तो आंसर आ जाएगा 12.125। ऑप्शंस में देखोगे 12.125 का है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिर करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।